तो नोटिस यूनाइटेड एफसी का प्लेयर काई हेरिंग इज सस्पेंडेड। भाई बड़ी बेड न्यूज है। वही अगर बात करें सेमुएल डोंगोल भी सस्पेंड है और वही अगर बात करें हाबो बुमासु भी सस्पेंड है। इन तीन प्लेयर इस टाइम पे सस्पेंड है और ये जो सस्पेंड किया है भाई वो सस्पेंड किया है कौन बता रहा हो आपको, ऑल इंडिया फेडरेशन ने सस्पेंड किया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं सेमुएल डोंगोल जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एक मैच हुआ था, उस मैच में जो कि 2-2 मैच में हुआ था, जो डायरेक्ट एक रेड कार्ड भी मिला था है, तो फ्रेंड ये बेड न्यूज हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए नियम के अनुसार, नियम की अगर गाइडलाइन के खिलाफ अगर जाओगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए जो कि फास्ट पोस्ट ने छापा है ये न्यूज, अगर देखा जाए एफसी का सेमुएल डोंगोल हुगो बोमासु और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की काई हेरिंग सस्पेंड फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब यही है भाई, अगर आप कोई भी गाइडलाइन या फिर कोई भी नियम को अगर ठीक से आप पालन नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा या फिर जो आपको बाहर निकल दिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए इस टाइम पे अगर देखा जाए इन तीन प्लेयर सस्पेंड किया गया। सबसे पहले बात करते हैं सेमुएल डोंगोल आखिरकार कब वापस आएगा। तो फ्रेंड्स सेमुएल डोंगोल जो कि है साफ साफ लिखा गया है, सेमुएल डोंगोल जो कि एक मैच हुआ था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उसमें 2-2 मई में हुआ, वो तो नहीं लिखा लेकिन डायरेक्ट रेड कार्ड के कारण सेमुएल डोंगोल इस टाइम पे सस्पेंडेड है, तो ये बताया गया है जो कि फास्ट पोस्ट की ओर से। वही अगर बात करें सेमुएल डोंगोल कौन सी मैच नहीं खेल सकता है अभी बता देता हूँ। सेमुएल डोंगोल जो एफसी गोवा जो कि आगे जाके मुंबई सिटी के साथ एक मैच खेलने वाला है, उसी के साथ साथ अगर बात करें जो कि जमशेदपुर एफसी के साथ एक मैच खेलने वाला है और केरला ब्लास्टर के साथ एक मैच खेलने वाला है, तो इन सारे मैचों में यानी कि इन तीन मैचों में सेमुएल डोंगोल नहीं खेल पाएगा। वो अगर बात करें काई हेरिंग्स के बारे में तो काई हेरिंग्स जो कि है वो काई हेरिंग्स आगे जाके जो कि एटीके के साथ साथ दिसंबर को एक मैच होगा, यानी कि 7 दिसंबर 2019 को एक मैच देखा जाएगा जो कि एटीके और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी खेलेगा, उस मैच में जाके खेल सकता है काई हेरिंग्स। इससे पहले जो भी मैच है वो नहीं खेल पाएगा। उसी के साथ साथ अगर बात करें हुगो बोमासु भी सस्पेंडेड है और अगर देखा जाए हुगो बोमासु जो है उसके सस्पेंड थोड़ा मुझे अलग लगा, 8 दिसंबर में शायद वो खेल पाएगा, उससे आगे खेल नहीं सकता है जो कि आप जानते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थे लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि काई हेरिंग्स क्यों सस्पेंड है उसके बारे में बताओ, तो फिर काई हेरिंग्स सस्पेंड होने की ठीक रीज़न अभी तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है जो कि है भाई जो कि है मिसकंडक्ट के कारण सस्पेंड किया गया है। मिसकंडक्ट आप जानते हैं जो कि नियमों की पालन नहीं किया तो इसी कारण से सस्पेंड है। तो फिर बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो में। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एक लोगों की जरूरत है तो नीचे एक ईमेल आईडी है, वहाँ मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।